पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से प्रदेश के बेरोजगार युवकों में एक आस बंधी हुई है कि अब उन्हें रोजगार मिल सकेगा और उन्हीं की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पंजाब सरकार अब तक 29,500 से ज्यादा नौकरियां दे चुकी है। पूरे मामले पर क्या कहना है मुख्यमंत्री भगवंत मान का, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने लगभग एक साल की अवधि में राज्य के युवकों को 29,684 सरकारी नौकरियां सौंपी हैं और ऐसे कई और रोजगार के अवसर पाइपलाइन में हैं। स्थानीय निकाय विभाग में 401 क्लर्कों और जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग में 17 जूनियर इंजीनियर को नौकरी के पत्र सौंपे जाने के समारोह के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम मान ने नव नियुक्त युवाओं से पूरी लगन और पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब सरकारी दफ्तरों में टीम वर्क और प्रतिबद्धता पर आधारित एक नए वर्क कल्चर शुरू किया जाना चाहिए। सीएम मान ने नौजवानों से अपील की कि वे महान स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कार्यकालों के कामकाज और अनुशासन लाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि इससे लोगों को राज्य सरकार के कामकाज का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र मकसद राज्य के समग्र विकास और लोगों के कल्याण के लिए मिशनरी उत्साह के साथ सेवा करना है। सीएम मान ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब राज्य सरकार के अथक प्रयासों से पंजाब देश में अग्रिम और राज्य के रूप में उभरेगा। उन्होंने पिछले सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पूर्ववर्ती अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी अपने राजसी महलों से बाहर नहीं आए थे, लेकिन वो शांति, प्रगति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत करने के लिए राज्य के हर नुक्कड़ और कोने में घूम रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में 29,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है और राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से युवाओं को रोजगार देने का बड़ा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और योग्यता इस पूरे भर्ती अभियान के दो प्रमुख स्तंभ हैं। भगवंत मान ने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म अपनाया गया है, जिसके कारण 29,000 से अधिक में से एक भी नियुक्ति को अब तक कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है। बहरहाल अभी की खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।